घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुमने से ऐसा कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डाल कर तैयार ना कर सके तो सब देखने वालों ये कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगेंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना करे कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकूंगा? तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा में देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान तो ऊपर स्वर्ग में और रात नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन में से अपने कि तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तो तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसे पूरा किया है जैसा आज है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नई संसद की इमारत के लिए जो आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आज पूरी हुई है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम सांसद प्रभु जो यहाँ पर विचार विमर्श करके इस देश को चलाएंगे। हमारी विनती है कि आपकी पवित्र आत्मा यहाँ सदा वास करे कि प्रभु आपके द्वारा जो कुछ भी आपने संभव किया है हमारे इस तमाम इमारत को बनाने वालों पर आपकी आशीष हो और जिस मकसद के लिए प्रभु ये कार्य हुआ है, ये इमारत खड़ी हुई है, वो पूरा हो, कि यहाँ से न्याय हो, कि यहाँ से लोगों को आशीष मिले, कि यहाँ से जनता का भला हो। आपके पवित्र हाथों में कि यहाँ से न्याय हो, कि यहाँ से लोगों को आशीष मिले, कि यहाँ से जनता का भला हो। आपके पवित्र हाथों में एक बार फिर से संपूर्ण कार्यवाही को सौंपते हैं और हम इस दुआ को मांगते हैं आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के पाक पवित्र रहीम और मीठे नाम से। आमीन।